महाकाल के भक्तों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। यदि आप भी बाबा के दर्शनों के लिए उज्जैन आने वाले हैं, तो आपको ये खबर जरूर देख लेना चाहिए। दरअसल अब मंदिर में प्रोटोकॉल व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, जिसके बाद अगर आप मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको 250 रुपए की पर्ची कटवा कर दान स्वरूप देना होगा। हालांकि इस व्यवस्था में कुछ लोगों को इससे दूर रखा गया है। ये निर्णय पिछले दिनों हुई मंदिर समिति की बैठक में लिया गया, जहां 1 फरवरी से इस निर्णय को लागू कर दिया जाएगा। इसमें आपको बता दें कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में कुछ लोगों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा, जिसमें साधु संत महंत महामंडलेश्वर शंकराचार्य पीठाधीश्वर धर्माचार्य प्रेस क्लब के सदस्य अधिमान प्राप्त पत्रकार जो कि स्वयं सत्कार व्यवस्था के अंतर्गत निःशुल्क सिख दर्शन व्यवस्था से प्रवेश कर सकेंगे। आपको बता दें इसके अलावा अति विशिष्ट व्यक्ति जो शासन के प्रोटोकॉल की श्रेणी में आते हैं उन्हें भी पहले की तरह ही निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इसके विपरीत किसी भी माध्यम से कोई दर्शनार्थी प्रोटोकॉल के तहत दर्शन के लिए आते हैं उन्हें अब 250 रुपए प्रति व्यक्ति रसीद लेना अनिवार्य होगा। अभी जो 27 जनवरी को सरपंच समिति की मीटिंग हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था कि क्योंकि अब मानसरोवर हमारे पास बहुत बड़ी जगह हुई और वहाँ से नॉर्मल दर्शन किए जाते हैं। मानसरोवर से दर्शन करने यदि कोई व्यक्ति जाता तो 25-30 मिनट में आसानी से जाते हैं, और यदि कोई व्यक्ति प्रोटोकॉल के माध्यम से फिर 4 नंबर से अपनी रसीद कटवाता है और उसके बाद जाता है तो उसमें नॉर्मल दर्शन ज़्यादा समय लगता है। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि नॉर्मल व्यवस्था पर ज़्यादा लोग आए तो इसमें समय भी कम लग रहा है। दूसरी बात यह है कि यदि प्रोटोकॉल व्यवस्था जो हमारी है, जिसमें कि जो प्रोटोकॉल के माध्यम से कोटा बना हुआ है, उस कोटे में यदि दर्शनार्थी आते हैं तो वैसे ही चलता रहेगा। उस दर्शनार्थी आएगा और उस कोटे में उसको टोकन मिलेगा, टोकन के बाद जो हमारे 4 नंबर काउंटर पर आएंगे उनको वहाँ पर जो प्रति व्यक्ति 250 रुपये जैसे हम किसी के दर्शन में लेते हैं 250 रुपये का दान राशि देनी पड़ेगी, और उस दान राशि के पश्चात वो जैसे नॉर्मल पहले दर्शन करते रहे थे वैसे दर्शन कर पाएंगे। ये निर्णय लिया गया है कि इसका एग्जीक्यूशन जो है वो 1 फरवरी से किया जाए, तो कल से व्यवस्था प्रारंभ की जाए। खेलो इंडिया खेलों के तहत उज्जैन में योग और मलखंब आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है योग और मलखंब का आयोजन होगा। कल जो है इस पूरे कार्यक्रम का जो है शुभारंभ होगा। इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये पूरा एरिना बनकर तैयार है, जहाँ पर योग और मलखंब के लिए जो है बाहर से जो टीमें आई हैं अलग अलग राज्यों से, वो यहाँ पर जो है अपना प्रदर्शन करेगी। यहाँ पर जो है पूरी तैयारियां कर ली गई है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर जो है लगातार जो है व्यवस्थाएं जुटाने में लगे हुए हैं, और टीम के जो रहने की और जो खाने की व्यवस्थाएं हैं होटल में की गई हैं। अलग अलग होटलों को जो है यहाँ पर हायर किया गया है। उज्जैन में आपको बता दें कि योग और मलखंब के लिए उज्जैन काफ़ी जो है फेमस है। इसी के चलते जो है उज्जैन में योग और मलखंब के दो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तैयारियाँ हो चुकी है। खेलो इंडिया के अंतर्गत जो कार्यक्रम यहाँ पर होना है, कल 10 बजे यहाँ पर इनॉग्रेशन सेशन है, उसमें 27 अपने जो राज्य हैं उनकी टीम यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। टीम्स को रुकने के लिए व्यवस्था 4 होटल में की गई है और 1 माधव सेवा न्यास 5, और उनका भोजन और शाम का भोजन और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था वहीं पर है। इसके अलावा उनको लाने ले जाने के लिए 5 बसेस की व्यवस्था की गई है और 12 छोटी गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। यहाँ जो खेल जो होना है, खेल इसी अरीना में होना है। इसमें टेस्ट जो वार्म अप होता है, वार्म अप के लिए पीछे साइड एक पोर्शन बना हुआ है, बाकी का अरीना यहाँ पर है। यहाँ पर हमारा मलखम होगा और योग होगा। 10 दिवसीय कार्यक्रम है टोटल यहाँ पर, तो 2 खेल यहाँ पर होंगे और 4 पदक सेरेमनी होगी। विक्रम विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कृषि विज्ञान अध्ययन शाला के छात्र छात्राएं मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसी के चलते आज उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया और विश्वविद्यालय का घेराव करते हुए कुलपति डॉक्टर अखिलेश पांडे को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना था कि बढ़ी हुई फीस कम की जाए और भवन में वॉशरूम सहित लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कुलपति ने शीघ्र ही मांगों के निराकरण का आश्वासन दिया है। हमारे डिपार्टमेंट ना तो हमारा खुद का डिपार्टमेंट है, हम अदर स्टेट से आए हैं यहाँ पे सीयूटी का एग्जाम देके। उसके लिए हमें एलिजिबिलिटी फॉर्म देना पड़ रहा है, उसके 4,500 रुपए देने पड़ रहे हैं, जो कि किसी अदर यूनिवर्सिटी में नहीं होता है ऐसा। 60,000 हम कॉलेज की फीस दे रहे हैं, जिसके नाम पे हमारे ना पूरी क्लास है थ्योरी के। ऐसा है कि एग्रीकल्चर में थ्योरी के नाम पे कुछ नहीं होता, सब फील्ड वर्क होता है। फील्ड के नाम पे हमसे सिर्फ पत्थर और कचरा उठाया जा रहा है, कुछ नहीं। लाइब्रेरी में हमारे सिलेबस से लेके एक बुक तक नहीं मिलेगी हमें लाइब्रेरी में। 1 साल हो गया है अभी, सेकंड सेम चल रहा है बच्चों का, और लगभग लगभग पहले सेशन में 250 बच्चों का एडमिशन हो चुका है।
और एक बच्चे की लगभग 60,000 फीस थी, और देखा जाए तो 1,20,00,000 रुपए इनको एक साल का मिल रहा है और 2 साल हो चुके हैं, और सुविधा के नाम पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो सभी छात्रों ने विश्वविद्यालय कुलपति से ये मांग की है कि अगर आप कल प्रैक्टिकल लेते हैं तो कोई बच्चा प्रैक्टिकल नहीं देगा, तो सर ने अभी आप प्रैक्टिकल एग्जाम आगे बढ़ा दिए। पश्चिमी मध्य प्रदेश प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा 31 जनवरी यानी आज झालरिया मठ पर आध्यात्मिक प्रेरक वक्ता रेकी ग्रैंड मास्टर राजेश्वरी मोदी राज दीदी के प्रेरक सत्र का आयोजन हुआ। इसमें राज दीदी ने जीवन जीने का नया अंदाज पर प्रेरक वक्तव्य दिया। अध्यक्ष वीणा सोमानी ने बताया कि कार्यक्रम में राज दीदी स्वास्थ्य, सुखी, समृद्ध व सामंजस्य से भरपूर अर्थपूर्ण जीवन के सूत्रों को बताया। इस प्रेरक आयोजन में कई श्रोता उपस्थित हुए। इसमें माहेश्वरी समाज के साथ ही अन्य समाज के श्रोता भी शामिल हुए। 4 माह पूर्व जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के महावीर नगर में रहने वाले अंकित नामक युवक को कुछ युवकों ने चाकू मारकर गंभीर घायल कर दिया था। वारदात में अंकित की आंत बाहर आ गई थी, जिसके चलते उसे उज्जैन से इंदौर निजी अस्पताल में रेफर कर उपचार दिया जा रहा था, जहां लंबे समय तक चले उपचार के बाद 27 जनवरी को अंकित ने दम तोड़ दिया। मामले में जीवाजीगंज पुलिस द्वारा हत्या की धारा नहीं बढ़ाने के चलते आज माली समाज ने आईजी के नाम ज्ञापन सौंप कर पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की है। आपको बता दें कि मृतक इकलौता लड़का था, जिसके पिता दिए की बाती बनाने का कार्य करते हैं। चाकूबाजी के बाद अपने परिजनों और परिचितों से कर्ज लेकर उसका उपचार इंदौर में निजी अस्पताल में करवा रहे थे, लेकिन उनके बेटे की मौत हो गई। अब परिवार के लोग न्याय की आस में दर दर भटक रहे हैं। उनका आरोप है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। देवास रोड पर ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास के पुत्र विनय व्यास के यहाँ दिन दहाड़े चोरी हो गई। कैमरे के फुटेज चेक करने पर उसमें 2 लड़कियां करीब 40 किलो वजनी पीतल के बर्तन चुरा कर ले जाती दिखाई दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर फुटेज के आधार पर दोनों लड़कियों की खोजबीन शुरू कर दी है। विनय व्यास ने बताया कि देवास रोड स्थित पैतृक जमीन पर भाइयों के मकान का निर्माण किया जा रहा है। वहीं पर एक मकान में ताला लगा हुआ था, जहां दोपहर के समय कचरा बीनने के बहाने दो लड़कियों ने वारदात को अंजाम दिया। घर से 10 पीतल की थाली व 4 पीतल के हंडे चुरा ले गए, जो करीब 40 किलो वजनी होंगे। नागजीरी पुलिस ने बताया कि चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है व आसपास के डेरों पर पता भी लगाया जा रहा है। ये एक वीडियो संज्ञान में आया है पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, जिसमें और सीसीटीवी फुटेज हमको पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला जो है कुछ सामान लेके जाती हुई दिख रही है। उससे एक थाने पर एक आवेदन प्राप्त हुआ है नागरी थाने से, उसके आवेदन की जांच चल रही है और इस पे जो जांच के बाद जो कार्रवाई है उचित कार्रवाई होगी। अगर FIR बनता है तो उससे FIR भी कायम की जाएगी।